दोस्तों 25 फरवरी को था MWC 2018 का जीरो राउंड अप डे और इसी इवेंट में बहुत सारा फोन लॉन्च किया गया है, जैसे कि सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा नोकिया ने अपना 5 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Alcatel एंड LG ने भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जबकि Huawei ने कोई फोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ये टैबलेट और एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है। सो गाइस, आज का ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा MWC 2018 की जो जीरो राउंड अप डे है उसके बारे में, इसमें क्या क्या गैजेट लॉन्च हुआ है और क्या क्या स्पेशल आपको देखने में मिल जाएगा, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा सिर्फ MWC 2018 की जीरो राउंड अप डे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक एपिसोड में। सो गाइस, चलिए बिना कोई टाइम गवाके लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों स्टार्ट करते सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस से। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S9 में जो डिस्प्ले का साइज दिया गया है 5.8 इंचेस, जबकि S9 प्लस में आपको 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाएगा। दोनों में आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है और दोनों का जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है वो फिलहाल सेंटर में दिया गया है, तो पहले की तरह साइड में देता था तो अभी साइड में नहीं दिया गया, सेंटर में दिया गया है। और गाइस, इसके रिगार्डिंग जो खास बात है कि इसका जो एपर्चर लेंस का वो आप चेंज कर सकते हो, f1.52 लेके f2.4 तक आप चेंज कर सकते हो और इसके मदद से स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 96 FPS की स्पीड पर। और गाइस, इसके अलावा S9 का एक एंटरप्राइज एडिशन लॉन्च किया गया है जो कि बिजनेस पर्सन के लिए दिया गया है, जिसमें आपको सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। फिलहाल बात करते हैं नोकिया के बारे में, तो नोकिया ने 5 फोन लॉन्च किया है। तो जो पहला है नोकिया 7 प्लस, नोकिया C2018 वर्जन, नोकिया 1, नोकिया 8104G वर्जन और एक है नोकिया 8 3 को वर्जन। गाइस स्टार्ट करते हैं नोकिया 7 प्लस को लेके, तो नोकिया 7 प्लस में आपको 6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 606 दिया गया है और इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाता है। और गाइस नोकिया 6 2018 की वर्जन को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो, ऊपर है लिंक, नीचे दिया जाएगा। और गाइस इसमें जो फिलहाल अपडेट है, इसमें आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, तो पहले जो लॉन्च हुआ था उसमें आपको फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता था, लेकिन फिलहाल नोकिया 6 2018 वर्जन में आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। बात करें नोकिया 1 को लेकर, तो ये पहला फोन है नोकिया की तरफ से जिसमें आपको एंड्रॉइड पोजीशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4.5 इंचेस FWBGA डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इसमें मीडिया टेक का पोजीशन दिया गया 8GB रैम के साथ। और अगर बात करते हैं नोकिया 8104G वर्जन को लेकर, तो इसमें आपको गूगल एसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, मैप्स मिल जाएगा, सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको काई ओएस देखने को मिल जाता है, एक्चुअली जिस ओएस में जियो का फोन भी लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें आपको एपीआई एंड ट्विटर का जो ऐप वो प्री इंस्टॉल आएगा। फिलहाल बात करते हैं नोकिया 8 3 को वर्जन को लेके, तो इसमें आपको डुअल ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है और इसका जो फ्रेम है वो मेटल दिया गया है और इसमें आपको IP67 वाटर एंड डार्क रेजिस्टेंट फीचर भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करते हैं Huawei को लेके, तो Huawei ने अपना एक लैपटॉप लॉन्च किया जिसका नाम है MateBook X Pro और गाइस इसका एक जो टैब है वो लॉन्च किया जिसका नाम है MediaPad M5 टैबलेट। सो गाइस जो लैपटॉप है उस पे आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डिस्प्ले देने को मिल जाता है, जबकि आपको जो टैबलेट है उसमें आपको 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डिस्प्ले देने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो Huawei का MediaPad M5 लॉन्च हुआ है उसका 2 वर्जन में देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको 8.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरों में आपको 10.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको स्क्रीन की 960 पिक्सल दिया गया है और जो रिजोल्यूशन लगा गया है वो है 2560 पिक्सल टू 1650 पिक्सल तक। और इसका दूसरा वर्जन है 10.8 इंच का, आपको डेस्कटॉप पर स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। और LG ने अपना 2 फोन लॉन्च किया जो कि LG का V30 एंड V30 प्लस का अपडेट वर्जन है, एक का नाम है V30S और दूसरा का नाम है V30S प्लस। तो दोनों में आपको 6GB रैम देखने को मिल जाता है, जबकि V30S में आपको मिलेगा 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जबकि V30S प्लस में देखने को मिल जाएगा 256GB का इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा Alcatel ने अपने फोन लॉन्च किया जिसका नाम है 1X स्मार्टफोन, जिसमें आपको एंड्रॉइड पोजीशन के साथ प्री इंस्टॉल एंड्रॉइड वर्जन आएगा, जिसका डिस्प्ले का वर्जन है वो 5.3 इंचेस है और एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और इसका जो रिजोल्यूशन रखा गया है वो है 960x480p और इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा Alcatel 1S के अलावा Alcatel 5, Alcatel 3, Alcatel 3B एंड 3X जैसे फोन लॉन्च किया है। तो गाइस ये कुछ फोन, ये कुछ डिवाइस लॉन्च किया गया है MWC 2018 की जीरो राउंड ऑफ इवेंट में, तो सारे डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, अगर मन के साथ कमेंट करना मन भूलिएगा, इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।